जब सुबह घर से निकला तो एक शिक्षा मित्र से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कैसी पढ़ाई चल रही है स्कूलों में, बताया बिल्डिंगें तो हैं लेकिन शिक्षा बिक चुकी है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं तुषार राय दैनिक जागरण indusline.com से, मैं इसे मौजूद हूँ सेंटेनियल इंटर कॉलेज जो कि राजधानी लखनऊ के केसरबाग रोड होते हुए जो डीएम कार्यालय आता है उस मार्ग पर है। और बताना चाहेंगे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पे 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है और काफ़ी संख्या में यहाँ आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि मुख्य गेट पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से बताना चाहेंगे बीते जनवरी माह तक बच्चों ने यहाँ पे अपनी पढ़ाई की थी, इस स्कूल के गेट पे ताला लगा दिया गया। लगभग 450 के आसपास बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और आज क्योंकि पढ़ाई 7 जुलाई का कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यमिक शिक्षक संघ के तहत की थी और उसके बाद जो है इन्होंने आज जो है पहला दिन था, आज ये इस तरह से यहाँ पे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे ही बात करने की। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल में। सर आज बच्चे यहाँ स्कूल के गेट पे पढ़ रहे हैं, क्या मामला? जी हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, ये 139 ईयर्स पुराना है और यहीं पे हम लोग पढ़ाते थे। हम 2004 में अपॉइंटमेंट हुआ था हमारा, तब यही बिल्डिंग है और पिछले दो कुछ महीनों में यहाँ पे दूसरा स्कूल खोल दिया गया और हमसे कहा कि ग्राउंड में जाके वो टीन शेड में पढ़ाइए, जबकि बच्चे कह रहे हैं हम टीन शेड में ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे। कोशिश होगी कुछ बच्चों से बात करने की। बड़े क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उत्तम शर्मा है। उत्तम, स्कूल तो बंद है तुम्हारा, बाहर पढ़ रहे हो, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमको खुलते हमारे भाई पुराने स्कूल में भेजा जाए। पुराने स्कूल में भेजा जाए? अच्छा मान लो नहीं खुलेगा फिर क्या करोगे? नहीं खुलेगा, हम लोग प्रयास में लगे खोला जाए और वो लोग। किस क्लास में हो तुम? हम इस बार हाई स्कूल। हाई स्कूल में सीसी के ड्रेस में भी बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ा क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल किस क्लास में हो आप? सर 10th क्लास में। आज एनसीसी का ड्रेस पहन के आए हुए हो? जी सर एनसीसी सर हमारी हो रही थी सर, लेकिन हमारे सामने सर स्पोर्ट ग्राउंड है, लेकिन सर हमारा स्कूल सर छीन लिया गया सर और सर हमारा सामने सर ट्रेनिंग होती थी सर, अब वहाँ सर टीम सेट डाल दिए, बता रहे वहाँ पढ़ो सर, इस पर ना सर प्रशासन कोई वो ले रहा है ना सर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है सर, हमारा भविष्य बीच में लटका हुआ है सर। शांतनु गुप्ता, स्कूल तो बंद है? यस सर। बाहर बैठ के पढ़ रहे हो? यस सर। कैसे पढ़ाई हो रही है? सर पढ़ाई बिल्कुल खराब हो रही है, हमारा टेंथ है, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। इधर हाई स्कूल है तुम्हारा? यस सर हाई स्कूल है और हमको स्कूल से निकाल दिया गया, बल्कि इतना पुराना 139 ईयर पुराना स्कूल है उसको जो है कब्जा कर दिया गया है गैर कानून से, तो हम लोगों का प्रवेश बीच में लटका हुआ है सर, बताइए कैसे हम लोग बाहर पढ़ रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका निवारण निकाला जाए। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।